हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया हियर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि वो पर्सन जो आपके दिल में है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है राइट नाउ। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो, क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि जो पर्सन आपके दिल में है, उसके दिल में आपको लेकर राइट नाउ क्या है। आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करता है, सिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में वो मोटिवेशन ऐड करते हो जिससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस, अगर हम वर्क लाइफ की बात करें तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती वो देखते हैं। आप उनकी ज़िंदगी के ग्राउंडिंग फोर्स हो। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सन की ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आए हो, जो कि डेफिनेटली पर्सन को बहुत ज़्यादा यू नो इट्स मोर लाइक कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, चेंज करते हैं आपको इन अ गुड वे, बट ये पर्सन उस चेंज को, उस यू नो ट्रांसफॉर्मेशन को वैल्यू भी करता है। मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन है, दिस पर्सन रियली एडमायर्स द फैक्ट कि उन्होंने आपके साथ जो टाइम बिताया और जिस तरह से आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, ये पर्सन उस चीज़ में, उस फीलिंग में बहुत ज़्यादा खुश और सैटिस्फाइड है। डेफिनेटली आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट फील करते हैं, बिकॉज समहाउ उनको आप पे जो बिलीफ है वो उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, सेंस ऑफ पीस देती है, जो कि शायद कोई और नहीं दे सकता। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या सोचता है? वाओ, लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन एंड सेल्फलेसनेस। सो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में, इस पर्सन के दिल में जो आपके प्यार की वैल्यू है वो ऐसे नहीं बनी है। इस इंसान का हर एक्सपीरियंस आपके साथ एक होलनेस जो है उसको इनकी ज़िंदगी में लेकर आया है। और मुझे लगता है कि दिस पर्सन रियली एडमायर्स द फैक्ट कि चाहे ये आपके साथ जो मर्जी करता आया है या कर रहा है, आपका प्यार इस इंसान को लेकर हमेशा से अनकंडीशनल रहा है। आपने कभी इन डिमा यू नो इन रिटर्न कुछ डिमांड नहीं किया है। मुझे लगता है कि आप हमेशा सेल्फलेस होकर इस इंसान को प्यार करते आए हो, जो कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा यू नो आपके बारे में बहुत ज़्यादा इसको ये चीज़ पसंद है। दिस पर्सन ऑल्सो एडमायर्स द फैक्ट कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और मुझे लगता है कि आपकी जो आपको लेकर जो एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इनको लगता है कि दिस इज़ समथिंग जो कि उनने कभी किसी और के लिए फील नहीं किया। सो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि इस इंसान को सेल्फ लव भी शायद आपने सिखाया है, और हो सकता है कि आपने यू नो मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को सेल्फ लव सिखाया है और ख़ुद सेल्फ लव भूल गए हो, क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन के ऊपर आपने अपना प्यार शावर किया है, दिस पर्सन एडमायर्स दैट, वैल्यू करता है उस चीज़ को। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप ऐसे कुछ लोग ओवरडू कर रहे हो चीज़ें इस रिलेशनशिप को लेकर। अंडर इधर यू हैव हीलिंग हार्ट। आप डेफिनेटली इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आए हो। ये पर्सन हो सकता है कि एडिक्शंस, टॉक्सिसिटी, एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहा हो, लेकिन आपने इस इंसान के दिल को बहुत ज़्यादा हील किया है। और अगेन ये वन ऑफ द थिंग्स है जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में, और आपका साथ बहुत ज़्यादा एक सूदिंग एनर्जी लेकर आता है इस इंसान की ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि आप इसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आपने हेल्प किया है, और हमेशा से यू हैव टोल्ड दिस पर्सन कि इसके लिए क्या गलत है, क्या सही है। तो अगेन मुझे लगता है कि इसका यू नो चाहे इसके जितने मर्ज़ी फ्रेंड्स हैं, जितने मर्ज़ी क्लोज फैमिली टाइज हैं, लेकिन जो चीज़ आप इसे बताते हो, शायद नोबडी हैज़ द करेज उसको ये सब बताने के लिए। इसलिए ये पर्सन आपको, आपकी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और पसंद करता है। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन ताकि आप नोटिफाइड रहो जब भी रीडिंग अपलोड हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।